हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिर्फ दो कच्चे आलू से पूरे परिवार के लिए साल भर चलने वाले आलू के पापड़ बनाकर तैयार करेंगे। इसे बनाने का तरीका काफ़ी आसान है। एक बार बनाकर इसे आप सालों भर स्टोर करके रख सकते हो। तो चलिए इसे बनाने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दो कच्चे आलू ले लेने हैं। अब इन आलुओं को अच्छी तरीके से छीलन की सहायता से हम इसके छिलके निकाल कर तैयार कर लेंगे। सारे आलू के छिलकों को इसी तरीके से हमें निकाल करके रख लेना है। इसके बाद हम आलू को कट करेंगे। आलू को कट करने का सबसे सही तरीका इसमें यह है कि आप आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट करें, जिससे कि आलू अच्छी तरीके से कट जाएंगे। और जैसे ही आलू आप काटें, इन्हें पानी में तुरंत ही रखते चले जाएँ, जिससे कि ये काली ना पड़े। आलू को आप जानते हैं, जैसे ही आप इसके छिलके उतार दोगे, ये हवा के संपर्क में आएंगे और ये काले पड़ने लगते हैं। तो आपको इसे काटते हुए जाना और पानी में डालते हुए जाना है। इसके बाद इसे 2 से 3 पानी अच्छी तरीके से हाथों से रगड़ रगड़ कर धो लेना है। धोने के बाद हम लेंगे एक मिक्सर जार, इसमें डालेंगे अपने कटे हुए आलू। थोड़े थोड़े आलू को मिक्सर जार में डाल करके हमें इसका एकदम महीन सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है, जिसमें एक भी लम्स ना हो। थोड़े से आलू डालेंगे, इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसका एकदम महीन सा पेस्ट हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने आलू का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहो तो पीसते वक्त अगर थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका महीन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर सकते हो। अब जिस भी कढ़ाई या फिर पैन में आप आलू के पापड़ बनाना चाहते हैं, उसे हम यहाँ ले लेंगे और इस तरीके से एक बड़ी सी छन्नी लेंगे और जो भी हमने आलू का पेस्ट तैयार किया है, इस छन्नी के ऊपर हमें इसे डाल देना है और अच्छी तरीके से चम्मच की सहायता से हम इसे छान लेंगे, जिससे कि इसमें एक भी लम्स ना रहे। अगर इसमें लम्स हो जाते हैं तो आप उसे निकाल करके फिर से आप इसे पीस सकते हो। इसी तरीके से हम अपने सारे आलू को पीस करके तैयार कर लेंगे। अब हम पीसे हुए आलू में पानी मिलाएंगे। तो 2 आलू लिया है तो आपको यहाँ पे 4 ग्लास पानी मिलाना है। तो पीसते वक्त भी मैंने ढेर सारा पानी मिलाया था, तो यहाँ पर मैं एक बड़ा ग्लास पानी इसमें ऐड करूँगी। इस तरीके से आपको पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेना है। अब इस घोल को हमें पकाना है, तो गैस पे मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि ये घोल जैसे जैसे पकती जाएगी ये गाढ़ी होती चली जाएगी और इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। तो आपको इसे तब तक पकाना है जब तक ये पूरी तरीके से गाढ़ी नहीं हो जाती। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे जैसे घोल पकती जा रही है वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जा रही है। घोल को चेक करने का सबसे आसान तरीका और एक तरीका है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। तो आप एक ऐसा प्लेट लेना, इसके ऊपर आप घोल को डालना थोड़ा सा। अगर ये घोल चारों ओर फैल नहीं रहा, एक जगह पे जमा हुआ है, इसका मतलब परफेक्ट आपका घोल बनकर तैयार है। अब आप इसके पापड़ बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारा घोल बनकर तैयार है। इसे 1 से 2 मिनट के लिए और हम पका लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे 5 से 7 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। ध्यान रखें, घोल को आपको पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच प्लेन नमक, आधी छोटी चम्मच से कम भुना हुआ लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच अजवाइन, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पापड़ में। साथ ही बारीक कटा हरा धनिया हम डालेंगे। आप इसकी जगह पे कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इन सभी चीज़ों को आलू में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे हम। इससे आपके पापड़ का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। नमक का आप खास कर ध्यान रखेंगे, नमक आप हल्का ही डालेंगे क्योंकि इसमें नमक बहुत ही जल्दी तेज़ हो जाती है। इसके बाद हम लेंगे इस तरीके से कोई भी पन्नी या फिर कागज़, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा घोल को लेकर के हम इसके पापड़ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा घोल एक जगह डालेंगे और इसे हल्का सा कलछुल की सहायता से फैला देंगे। ध्यान रखिए, ज़्यादा पतला घोल आप ना डालें, नहीं तो सूखने के बाद ये बहुत ही पतली पापड़ बन जाएगी। थोड़ा थोड़ा डाल करके हम इसके पापड़ बनाकर तैयार करेंगे। 2 कच्चे आलू से हमने यहाँ पर पूरे इतने सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे एक रात पूरी तरीके से सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो आप इसे पंखे के नीचे या फिर आप इसे धूप में भी सुखा सकते हो, बहुत ही आसानी से ये सूख जाती हैं। तो 2 कच्चे आलू से हमने ढेर सारा आलू का पापड़ बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे एक रात के लिए आपको सूखने के लिए छोड़ देना है। एक दिन बाद आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी तरीके से सूख चुकी है पंखे के नीचे। मैंने एक रात इसे छोड़ दिया था तो ये बहुत ही अच्छे से सूख गई है, इसके साइड के किनारे छोड़ने लगे हैं। तो अब मैं आपको एक पापड़ निकाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पापड़ कितनी आसानी से ये निकल गए।
इस तरीके से आप भी पापड़ बना सकते हो, इसे सालों भर स्टोर कर सकते हो और इसे खा सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है घर के बने पापड़। अगर आप इसे इस तरीके से पन्नी में बनाते हो तो ये तो और भी जल्दी, ये तो बिना तेल के ही आपके आसानी से ये निकल जाती है। तो आप इस तरीके से प्लास्टिक पर भी बना सकते हो। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए आपको एकदम लो फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। और आप इसे फ्राई करने के लिए इस तरीके का चिमटे का इस्तेमाल करें, जिससे कि ये बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाएगी, टूटेगी भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही पतली होती है। तो आपको इसे आराम आराम से फ्राई करना होगा। इसी तरीके से हम अपने आलू के पापड़ फ्राई करके यहाँ पर रख लेंगे। आप ये देख सकते हो, आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना कमेंट मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।